ऑर्गेनाइजर तो खत्म ही नहीं हो रहे। There's something cold in the way you are. The things you said had me going good, but it left a scar. You invite me and then you turn me down. Get my hopes up and then you're gone. I fall for every word that you say to me. So hard being drawn to you so easily. I am stuck. अगर हमें घर को नीट एंड क्लीन रखना है, टाइडी और क्लटर फ्री रखना है, तो हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहना जरूरी है। लेकिन अगर हम मार्केट से परचेस करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजर किस पर्टिकुलर काम के लिए है और क्या वो हमारे काम आएगा कि नहीं। और यही मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने पिछले काफी सालों में जो भी ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं वो मेरे लिए कैसे निकले, कैसे साबित हुए, ताकि अगर आप उन्हें खरीद रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा काम वाला बन सके। किचन में आती है कुछ माइक्रोवेव और ओटीजी रखने के लिए रैक्स, तो उसमें मेरे पास एक ही रैक है इस तरह से। इसमें नीचे वुड लगी हुई है और बहुत अच्छा इसका कलर भी है। लिंक इन सब चीजों के मैं आपको दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन देखो, इस तरीके की जो आती है वो सिंपल मेटल की भी आती है, जिसमें सिंपल मेटल वायर्स या पाइप्स होते हैं। उसमें क्या होता है, वो थोड़ी सी डिसबैलेंस होती हैं। तो जब कभी भी आप इस तरीके की टू टीयर रैक लें, जिसमें कि आपको ओटीजी माइक्रोवेव रखना है या आपको सिंपल सामान भी रखना है किचन में, तो आप वुड की प्रेफर करिएगा। और जो मैंने ये ले रखी है ये काफी स्ट्रांग है। और है क्या, इसमें नीचे भी स्पेस रहता है जिसमें आप सामान रख सकते हो। और एक चीज जो मैं आपसे लेने को मना करूंगी, और वो है ये अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर। एक तो ये बिल्कुल भी स्टर्डी नहीं है, इसे आप खींच के बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। बड़ा करते टाइम ही पहली बार मेरा जो है यहाँ से ये निकल गया, और जैसे ही आप इसका साइज बढ़ाते हैं देखिए ये किस तरह से हिलने लगता है। बिल्कुल भी आप इस पे वेट नहीं रख सकते हैं, तो अगर इसको यूज करना है तो आपको इसका साइज जो है, जो मैंने फील किया, वो आपको छोटा ही रखना पड़ेगा। इसमें है कुछ इस तरह के पीसेस जो निकल जाते हैं, ये सारे निकल जाते हैं जितने भी इसमें हैं, और उसके बाद इन्हें आपको लगाना पड़ता है जिससे कि आप इसके ऊपर कुछ रख सकें। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये कितना हिलती है कि आप इसके अंदर कुछ भी सामान नहीं रख पाते हैं। हाँ, ये एडजस्टेबल है, आप इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें होल्स बने हुए हैं, ये बहुत ही पुअर क्वालिटी है, इसको तो मैं बिल्कुल मना करूंगी, इसपे कुछ भी सामान मैं नहीं रख पाती हूँ। ये है एक ऑर्गेनाइजर जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, और इसमें लगे हुए हैं नीचे व्हील्स, और व्हील्स की मदद से आप इसे बहुत ही आराम से जो है सरका सकते हैं, खिसका सकते हैं, और इस पर बहुत सारा सामान रखा जा सकता है। इसमें शेल्फ जो बनी हुई है वो 4 शेल्फ है, और ये 3 शेल्फ और 2 शेल्फ का भी आता है। इसमें जो भी आप सामान रखते हैं वो काफी अच्छी तरीके से इसमें सेट हो जाता है। ये इसके सारे पार्ट्स अलग भी हो जाते हैं, और इसे आप फ्रिज के बगल में रख लीजिए और इसमें काफी सारी बॉटल्स आ जाती हैं। इसे किचन में रख सकते हैं, तो बहुत ढेर सारा सामान एक जगह आ जाता है। मुझे ये बहुत पसंद आया। बाथरूम में रखा जा सकता है, बेडरूम में रख सकते हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है ये काफी पतला है, तो आप इसे कहीं पे भी जो है रख सकते हैं। और आप अगर इसका 2 शेल्फ वाला लेते हैं और उसे आप अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे भी रख सकते हैं। और घर में काम में आने वाला एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर है, और वो है स्मॉल रैक्स। इन्हें आप किचन काउंटर टॉप पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, आप बेड साइड टेबल पे इन्हें रख सकते हैं। बहुत सारी जगह है जहाँ पे भी निक नैक्स रहते हैं, वहां ये अरेंज हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस रैक की, देखिए, और ये वुड की बनी हुई है, आप लोगों के साथ शेयर करी थी। इस पे मैंने ये व्हाइट कलर का जो है इस पे पेंट कर दिया था। वुड की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत पतली है। जैसे ही इस पे वेट रखते हैं वैसे ही जो है मतलब ये एकदम नीचे की तरफ हो जाती है। अब तो मैंने इसे ग्लू की मदद से बिल्कुल जो है परमानेंटली फिक्स कर रखा है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी मेरे काम में नहीं आई, और अब मैंने इसे बिल्कुल जिसे कहते हैं कि डिस्कार्ड कर रखा। और बस ले लेते हैं चीज तो हमें उसे यूज करना पड़ता है। और ये है एक दूसरी छोटी रैक जो कि वुड की बनी हुई है, मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि जैसे मेटल के अलावा जो दूसरा ऑप्शन रैक का आता है वो वुड का आता है। एक अच्छा लुक देती है वुड की चीजें, और इसकी फिनिश वगैरह इतनी अच्छी थी कि मुझे बहुत पसंद आई। इसके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इसके ऊपर लगा हुआ
हुआ ये जो इसका हैंडल आप इसे बोल लीजिए, लेकिन होता क्या है जब भी हम इस पे सामान रखते हैं तो जो पीछे की तरफ सामान रहता है उसे उठाने में दिक्कत आती है। इस पे उस तरह का सामान रखा जा सकता है जैसे बॉक्सेस वगैरह होते हैं, उसे इस पे अरेंज किया जा सकता है। तो अगर फंक्शनैलिटी की बात करी जाए, जैसे मतलब 10 में से केवल 8 मार्क्स दूंगी, लेकिन अगर लुक्स की बात करी जाए तो बहुत ही ये सुंदर है। बहुत ये भी एक मेटल की बनी हुई रैक है जिसे कि अगेन बहुत सारी जगह पे रखा जा सकता है। इसमें अच्छी है, रखी हुई भी अच्छी लगती है, सुंदर है। आप इसे दीवार पे भी हैंग कर सकते हैं। बस होता क्या है जब आप इसे किचन में रखते हैं तो इसमें जो आगे ये वायर्स है ना, इसमें जैसे ही आप छोटा सामान रखते हैं यहाँ पे तो वायर्स में से ना वो बहुत मतलब स्मूथ नहीं होता और वो गिरता रहता है नीचे की तरफ। तो वायर के होने की वजह से इसमें बस थोड़ी सी दिक्कत आती है। बुक्स वगैरह रखने के लिए, बॉक्सेस वगैरह रखने के लिए अच्छा है। बड़ी आप इसमें अगर कोई भी चीज बड़ा रखना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। या फिर मैंने क्या कर रखा था, जब मैंने किचन में इसे रख रखा था तो इस तरीके के कार्डबोर्ड के पीसेस रख रखे थे तो मैं यहाँ पे इसे रख दिया करती थी, तो वायर्स की वजह से जो दिक्कत आती ना सामान गिर जाता है वो इस पे नहीं होता था। बहुत रीजनेबल है प्राइस, ऐसा है कि आप इसे ले सकते। और अगर मैं आपको बताऊं कि किचन के लिए आप लेने जा रहे हैं तो आपको कौन सी वाली स्मॉल रैक लेनी चाहिए, तो वो है ये व्हाइट कलर की मेटल की बनी हुई है, बहुत पसंद है मुझे। नीचे इसमें यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है जो कि निकल जाता है। देखिए इसमें जो ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या है ना, जैसे कोई भी सामान गिरता नहीं है, ऊपर की तरफ यहाँ पे वायर लगा हुआ है, ये किचन के लिए परफेक्ट है। एक ही मेरे पास ऑर्गेनाइजर है जिसमें बनी हुई है ड्रॉर्स, ये भी मैंने अमेजोन से लिया था और ये मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया के लिए लिया था क्योंकि ये ड्रॉर्स की जो चौड़ाई है वो काफी अच्छी है और इसमें बहुत ढेर सारा सामान आ जाता है। देखिए ये इतना बड़ा है, काफी बड़ा है ना, दिख रहा है। और ऊपर इसमें स्पेस है जिसमें छोटे छोटे सी जगह बनी हुई है, स्लॉट्स बने हुए हैं, तो ये ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा है ड्रॉर्स वाला। क्योंकि होता क्या है ड्रेसिंग एरिया में बहुत सारा ऐसा सामान होता है जिसे हमें ड्रॉर में रखने की जरूरत पड़ती है। आप इसे अगर किचन में रखना चाहें तो रख सकते हैं। देखिए इसकी विड्थ इतनी है कि आप इसमें कुछ छोटे छोटे निकनैक्स है, जो छोटी बिल्कुल मसाले की जो बॉटल्स आती हैं वो रख सकते हैं। अब ये सारे हैं कुछ और ऑर्गेनाइजर जिनके बारे में वन बाय वन रिव्यू दूंगी। और उसमें सबसे पहले है ये आइटम, इसमें क्या होता है सेक्शंस बने हुए होते हैं वो मैंने हटा दिया है क्योंकि ये मेरे किसी भी काम का नहीं था। इसमें एक डिवाइडर होता है जिससे इस के अंदर, इस ऑर्गेनाइजर के अंदर तीन सेक्शंस बन जाते हैं। ऊपर से हम इससे कवर कर देते हैं, देखिए ऐसे, और जिस सेक्शन का भी हमको आइटम निकालना होता है उसकी तरफ हम इस तरह से रोटेट कर देते हैं, सब आपस में मिल जाता है। ये आइटम बिल्कुल वर्स्ट है, बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इसमें तीन तरह के आइटम्स रख लेंगे और जिधर भी हम रोटेट करेंगे वो आइटम निकलता आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये है एक रिवॉल्विंग ऑर्गेनाइजर जिसमें की करीब 16 जो है छोटी बॉटल्स हैं, प्लास्टिक का बना हुआ है, लगभग हर घर में आजकल ये है, एक अच्छी चीज है। और आजकल तो ये जो है बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स में आता है, बहुत अच्छी क्यूट डिजाइन्स होते हैं। तो अगर आपको लेना है कुछ इस तरीके का ऑर्गेनाइजर कि छोटी जगह में ढेर सारे मसाले आ जाएं, अलग अलग वैरायटी के जो कि आपको फटाफट मिल जाएं, तो उसके लिए ये एक बेस्ट जो है ऑर्गेनाइजर है। इसी तरह का एक ये ऑर्गेनाइजर आता है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये मैंने 4 का सेट लिया है, मेटल का बना हुआ एक ऐसा ऑर्गेनाइजर है जिसमें छोटी छोटे कंटेनर भी हैं, इनमें आप बहुत मसाले भर सकते हैं। मैंने ये 4 का सेट लिया था क्योंकि मुझे इसमें रखना था रायते से रिलेटेड सारा सामान, जैसे कि काला नमक, जीरा, पिसा हुआ पुदीना और सादा नमक, ये सब रायते में डेली डलता है तो सबको एक जगह मिल जाए, इसलिए मैंने ये 4 का सेट लिया था। ये मैग्नेटिक होते हैं, चिपक जाते हैं और बहुत काम में आते हैं, अच्छी चीज है। और ये जो है 4 के सेट, 2 के सेट और बड़े 16 तक के सेट ये आते हैं। ये बहुत पतली सी जगह लेता है तो आप इसे कहीं पे भी अपने प्लेटफॉर्म, किचन प्लेटफॉर्म में ले सकते हो। ये ट्रे टाइप का ऑर्गेनाइजर जिसमें ऊपर तो थी ट्रे और नीचे इसमें बनी हुई थी ड्रॉर्स। इमेजिन किया था कि काफी सारा सामान इसमें ऊपर आ जाएगा, लेकिन आप 2 लोगों के कप इसमें रख के ही इतनी ही इसमें चाय सर्व कर सकते हो। कुछ दिनों तक तो मैंने अपने ग्रीन टी के अरेंजमेंट के लिए इसे यूज किया था, जैसे स्पून वगैरह सब नीचे रखी रहती थी, इसमें हनी वगैरह रहता था और ऊपर कप में कप वगैरह रखे रहते थे, तो फटाफट काम हो जाता था, सामान यही रखा रहता था। अच्छा ऑर्गेनाइजर है, मल्टीपर्पज है, बहुत जगह यूज हो सकता है। इसके बाद देखिए बहुत ढेर सारा सामान हमारे पास होता है और हमारी क्लोजेट में, एल्बीरा में काफी जगह होती है, हाइट होती है,
तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे सामान सेट करना पड़ता है, चाहे वो किचन प्लेटफॉर्म हो या कोई भी जगह हो, कि हम स्पेस को, खास करके जो स्पेस ऐसा होता है जिसमें बड़ी एरिया है, उसको हमें, अगर हमें उसे यूटिलाइज करना है, तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजर आते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से अंदर या बाहर हो जाते हैं और आप इसकी चौड़ाई जो है एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है, मेटल के बने हुए हैं, एक बार लेके आप हमेशा जो है ऑर्गेनाइज अपने घर को रख सकते हो। किचन प्लेटफॉर्म में इन्हें रख लीजिए और ऊपर और नीचे का स्पेस यूटिलाइज करिए। मैंने इसका एक सिंगल पीस भी लिया हुआ है, ऊपर तो इसमें है प्लास्टिक और नीचे इस तरह से ये बना हुआ है, इसके स्टैंड्स हैं, तो ये प्लास्टिक का सेट है, दो का सेट है। सबसे अच्छी बात है कि इसे साइड में भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो आपका देखिए स्पेस कितना यूटिलाइज हो गया, आपने जो है तीन स्पेस ले लिए, एक यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड और थर्ड स्पेस आ जाता है। और ये तो बहुत ही काम वाली चीज है, रिवॉल्विंग ऑर्गेनाइजर, लेजी सुजान के नाम से ये आते हैं। इन्हें तो आप कहीं पे भी रख लीजिए, डाइनिंग एरिया में रख लीजिए, डाइनिंग टेबल पे रख के इसमें बहुत सारी बॉटल्स, पानी की बॉटल, अचार वगैरह रख सकते हैं। जिसको चाहिए वो इसे रिवॉल्व करके घुमा के अपने साइड ले सकता है। और इसे तो मैं फ्रिज में भी रख लेती हूँ, इसका बहुत यूज है। दूसरा, ये जो है बड़े और छोटे दोनों आते हैं। मैं आपको, अगर आप डाइनिंग टेबल के लिए ले रहे हैं तो आप इसका बड़ा साइज ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फ्रिज के लिए या अपने किचन काउंटर टॉप के लिए ले रहे हैं तो उसका छोटा साइज लीजिए। ये आपके सिंगल जो भी आते हैं, और ये आपके दो फ्लोर टाइप भी आता है, वो भी आप ले सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन उसमें काफी आते हैं, जैसे इसमें ग्लास के बने हुए भी आते हैं और व्हाइट प्लास्टिक के भी आते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है, आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद एक और ऐसी चीज जिसको कि मैं बिल्कुल मना करूंगी, और वो है सिंक ब्रश। मैंने सोचा था कि सिंक, मुझे गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो जैसे रात को बर्तन वगैरह वॉश कर दिए तो सेम उसी से ही सिंक को साफ मैं नहीं करना चाहती थी, तो मैंने सेपरेट लिया था सिंक साफ करने के लिए ब्रश। मैंने इसे यूज करा, बट मतलब ठीक है, अच्छा है, यूज कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके बजाय एक अलग से आप स्क्रबर रख दो, उससे साफ कर दो ना, वो ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि हम एक सेपरेट ब्रश रखें। अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर, सबसे पहले जो फ्रिज के लिए मैंने लिए थे, जिसमें कि बहुत ही कॉमन है इस तरीके की अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइजर, यानी फ्रिज में इसे फंसा दिया जाता है और इसमें काफी सारा सामान आ जाता है। इनका फ्रिज छोटा है, अगर वो लगाते हैं इसको तो उससे दिक्कत क्या होती है, जो एक तो इसकी वजह से नीचे से सामान निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारा एरिया होता है, जो शेल्फ होती है, वो बहुत बड़ी नहीं होती है छोटे फ्रिज में। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर लगने से, अगर आप दोनों को बराबर लगा दोगे तो नीचे क्या सामान रखा है वो आप नहीं देख पाते हो। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ थी जो मैंने फेस करी। इसके बाद मैंने आपको दिखाए थे अपने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में इस तरीके के हैंगिंग पाउच। आगे इसमें इस तरह से पॉकेट्स रहती हैं जिसमें आप सामान रख सकते हो और इनसे आप इसे हैंग कर सकते हो। ये क्या होता है, ये जैसे ही फ्रिज को खोलो ना, ये गिर जाते हैं, एकदम से नीचे गिर जाते हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इनको क्या करना, मतलब ये बहुत हल्के से ना, बड़े स्मूथ से खिसक जाते हैं, क्योंकि फ्रिज में जो लगे होते हैं बॉक्सेस वो बहुत ही पतले होते हैं, तो उसमें ये टिक के नहीं रह पाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनको यहाँ पे ना टेप से चिपका दो। तो अब ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर है, जो कि है अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइजर, बहुत ही कॉमन है, अलग अलग साइजेस में आता है। ऐसा नहीं है, कई बार आप क्या करेंगे, कुछ सस्ते दामों पे देखेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे, आपको दो दिखाई देंगे, एक सस्ता दिखाई देगा, एक महंगा दिखाई देगा, लेकिन उसमें जो फर्क होता है ना, वो साइज का होता है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर है, जिसके लिए मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप है। लग गया देखिए यहाँ पे, और इसके अंदर काफी सारा सामान आ सकता है। यहाँ पे आप कुछ भी सामान इसमें नीचे लगा के यहाँ पे रख सकते हो। बहुत अच्छी चीज है ये मुझे बहुत पसंद आई। इसे मैंने अपनी जो फैब्रिक की अलमीरा है उसमें भी लगाया था, उसमें भी ये बढ़िया लगी थी। किचन के लिए कुछ इस तरीके के कॉर्नर वाले ऑर्गेनाइजर आते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, मेटल वायर के होते हैं, इनपे काफी सारा जो है सामान आ जाता है। और इस ऑर्गेनाइजर पे देखो कितना सारा सामान आ गया है। ये था मेरा एक्सपीरियंस कुछ घर के और किचन के ऑर्गेनाइजर्स के बारे में। अगर इससे आपको हेल्प मिली हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।